हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो आप सबके लिए होने वाली है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और देखने के बाद में लास्ट में थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको शेयर जरूर करिएगा ताकि आपके साथ साथ दूसरों की भी हेल्प हो सके। सर्दियों का मौसम है, ठंड से बचने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा धूप में बैठते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है कि अच्छे से सनस्क्रीन अप्लाई करें, जो भी आपके ओपन एरियाज हैं, हैंड्स है, नेक है, फेस है, उसके बाद ही आप धूप में बैठें। लेकिन उसके बाद भी आपको लंबे समय तक के लिए नहीं बैठना है, थोड़ा सा टाइम लिमिट रखें, वरना फिर आप कितना भी हाई सनस्क्रीन अप्लाई करें उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो खैर, ये तो हो गई कुछ ध्यान रखने वाली बातें। अब मैं बात करने वाली हूँ कि मान लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो गई है, बहुत ज़्यादा स्किन रफ और बहुत ज़्यादा सा रुखी रुखी सी हो गई है, तो आप उसे घर पे कैसे क्लीन कर सकते हैं बिना किसी लंबे प्रोसेस के। कम प्रोसेस में बहुत अच्छे से आपका सारा टैनिंग क्लीन हो जाएगा। कल मैंने जो है अभी विंटर सीजन के हिसाब से जिनकी भी स्किन बहुत ज़्यादा फेस की फट जाती है या लेयर वाइज ऐसा छिलके नुमा स्किन निकलती रहती है, तो उसे आप घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो शूट की। बहुत ही जल्दी वो वीडियो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक बढ़िया सा वैक्स, तो मैं यहाँ पर रिका वैक्स ले रही हूँ। ये रिका वैक्स आपने मुझे बहुत सारी वीडियोज़ में यूज़ करते हुए देखा है, ठीक है, और अभी इसका जो प्राइस है वो और बढ़ गया है। पहले 950 अराउंड आता था, अभी आई थिंक 1050 या 1100 के लगभग ये डब्बा मिलने लगा है। एक आज मैं यूज़ करने वाली हूँ ये वाला, ये भी रिका वैक्स नट रूट का है और इसका जो प्राइस है वो है 890 रुपीज़, मतलब 900 के समथिंग आपको ये मिलेगा। फ्लेवर लगभग सेम है, तो इसको मैं हीटर में निकाल लेती हूँ, हीटर गर्म हो चुका है गाइस। इस वैक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये रहता है कि एक तो पेन कम होता है, ये हेयर को क्लीन करने के साथ साथ जो भी स्किन का डेड स्किन है, टैनिंग है, वो एक ही बार में क्लीन हो जाता है, आपको बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इसके साथ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रोसेस लेना चाहते हैं, जैसे कि हैंड मसाज वगैरह क्रीम से ले सकते हैं, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके स्किन में ग्लो बहुत अच्छा आएगा, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाएगा। अदरवाइज नहीं भी करना है तो सिर्फ आप वैक्सिंग कर लें, इससे भी आपका बहुत ही अच्छा ग्लो भी दिखेगा और हेयर भी बहुत अच्छे से क्लीन होंगे। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लीजिए, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले सकते हैं। उसके साथ चाहिए होगा, और इसके साथ में दिया हुआ है ये प्री एंड पोस्ट का, ये दो जेल है, एक आफ्टर वैक्सिंग जेल है और एक बिफोर वैक्सिंग जेल है। तो अभी मैं वैक्स को रख दी हूँ गर्म होने के लिए, तो ये प्री प्रोसेस मैं पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। इसको दबा के निकालना होगा। अच्छे से अप्लाई कर लें। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से लग चुका है और ये वाला प्रोसेस हम बाद में करेंगे। ये सेम इसी ब्रांड का एक साथ में मुझे किट के साथ में ये मिला हुआ था, दो बॉटल। वैक्स भी हमारा हो गया है गरम। ध्यान रखें जो रिका वैक्स है ना, बहुत ज़्यादा गरम करने की ज़रूरत नहीं रहती है, नॉर्मल गरम करें, वरना बहुत ज़्यादा गरम करोगे तो आपकी स्किन भी निकल जाएगी। तो इस तरीके से पट्टी लेनी है और ये वाली जो स्ट्रिप्स है ना वो बहुत अच्छी रहती हैं, थोड़ी सी मोटी हैं, तो इससे क्या रहता है कि अगर आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत हार्ड हेयर हैं तो भी ये पट्टी फटेगी नहीं। कई कई स्ट्रिप्स ऐसी होती है ना कि चिपकाने के बाद जब आप ऐसा प्रेशर देके खींचते हो जोर लगा के, तो वो फट भी जाती, चिपक जाती है। तो इसका जो है ना वो थोड़ा सा मोटा लेयर है, तो ये वाली आप यूज़ करें। खुद से वैक्स करना टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको मुझे जैसे जैसे मैं करते जाऊँगी उसको फॉलो करना है। तो वैक्स हो गया है हमारा गर्म, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, टेम्परेचर नॉर्मल रखेंगे। इस तरीके से लेना है और ऐसा अप्लाई करना है। आज मैंने इसलिए ये वाली कुर्ती पहनी हुई क्योंकि ये इसमें बहुत आसानी से मैं अपनी स्लीव्स को ऊपर कर लेती हूँ और करते हुए बन जाता है। और बिल्कुल पार्लर के तरीके से आपको बताऊंगी, ना तो आपको रैसेस होंगे, दाने होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है,
जो स्ट्रिप्स का चिकना वाला पार्ट्स है उसको हम इस तरीके से चिपकाएंगे, ठीक है, और हैंड्स का जो मूवमेंट है इस तरीके से रखेंगे, ऐसा खींच के स्किन टाइट हो जाएगी और ऐसा खींचते ही जाना। अच्छा, मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा हेयर है ही नहीं, बहुत हल्के हल्के से हैं जो पता भी नहीं चलते हैं, और ये बहुत अच्छे से क्लीन होते चला जाएगा। देख सकते हैं जहाँ पे हो गया है वो अलग दिख रहा है, ये पार्ट्स अलग दिख रहा है। इस वीडियो के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो मुझे लगा चलिए आज शेयर कर ही देती हूँ मैं आप लोगों के साथ में। फटाफट से लगाएं और खींचते हुए जाएं। हल्का सा गरम किया हुआ है मैंने, गुनगुना टाइप से है, बहुत गाढ़ा नहीं है, बहुत पतला नहीं है। इस वाले पार्ट्स को ना ऐसा छोड़ देंगे, सिर्फ इतने वाले पार्ट्स को हम करेंगे सीधा सीधा, क्योंकि नीचे की स्किन बहुत लूज होती है, सॉफ्ट होती है, तो वहाँ पे अगर आप ऐसे ही खींच दोगे तो तुरंत वहाँ पे आपको पैचेस दिख जाएंगे। तो जितनी स्किन टाइट है, जैसे यहाँ की स्किन ठीक है तो इतने में हम ऐसा कर लेंगे। ये देखिए, ओके, पट्टी को ऐसा फोल्ड कर देंगे। अब यहां पे करने के लिए देखिए हैंड्स को इस तरीके से रखना है, कभी भी अगर आप वैक्स करते हैं, क्लाइंट का भी देखिए मैं करती हूँ तो चेयर में ऐसा लिटा देती हूँ, और जब अपना करेंगे तो हैंड्स की पोजीशन है इस तरीके से लगाना है। वैक्स को ऐसा लगा के गए हैं ना हम, तो पट्टी को अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से लगाएंगे ऊपर के साइड से और नीचे की तरफ खींचेंगे, ओके, ऐसा हाथ को बिल्कुल सीधा खींच के रखें, ऐसा खींचते हुए चले जाएं और आपका वैक्स हो जाएगा कंप्लीट। सबसे ज़्यादा यहीं पे प्रॉब्लम होती है करने में, तो इस पार्ट्स में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद में हैंड्स को यूं मोड़ेंगे और इस वाले पार्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे। इतना डिटेल में शायद ही आप लोगों को कोई बताएगा, पर मैं सारी चीजें बताती हूँ अच्छे से। और वैक्स को इस तरीके से लगाना है, हेयर की ग्रोथ को देख लेंगे, किसी किसी का उल्टा भी रहता है, तो जिधर ग्रोथ आपकी मुड़ी होगी उसी तरफ से आप लगाएंगे। जैसे मेरी नीचे की तरफ डाउन है तो मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ, ठीक है, अगर आपका ऊपर की तरफ हो तो आप ऐसा लगाओगे। अब खींचने के लिए कैसा करना है देखिए, यूं वैक्स हमने ऐसा लगाया तो पट्टी हमको उसके जस्ट उल्टा खींचना है, और देखिए कितना अच्छे से डन होते जा रहे हैं। ये वाले पार्ट्स में अलग से लगाएंगे, मिरर में देखते हुए, ऐसे मैं कैमरे में ही देख ले रही हूं। पट्टी को लेंगे और इस तरीके से इसको हम खींचेंगे। ओके, तो ये हो गया डन। अब ये वाला जो पार्ट्स बचा है, यहां पे अगर हेयर की ग्रोथ ऐसे गई है तो आप वैक्स भी ऐसे ही अप्लाई करोगे। यहां की ग्रोथ हल्की मुड़ी हुई रहती है तो इसी तरीके से आपको लगाना है, तो ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए देखिए इस तरीके से अप्लाई करना है, थोड़ा सा तिरछा क्योंकि मेरी हल्की सी ग्रोथ साइड में है। पट्टी काफी खराब हो गई, जिसको हम हटा देंगे, न्यू पट्टी ले लेंगे।
और देखिए छोटे छोटे पैचेस के साथ में इसको हम ऐसा खींचेंगे। एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे देखिए ये हाथ तो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, सिर्फ ये वाला पार्ट्स बचा है। आपने देखा होगा कि यहाँ की स्किन लोगों के सबकी बहुत सॉफ्ट होती है, मेरी भी बहुत सॉफ्ट है। जब यहाँ का वैक्स करें हाथ को बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल भी यहाँ पे पुलपुला नहीं लगना चाहिए, ठीक है, टाइट रखेंगे। और वैसे भी यहाँ पे हेयर होता नहीं है तो आप ना उसके नीचे से लगाना स्टार्ट करें इस तरीके से। ओके, तो ये हो गया। लगाने के बाद इसको हम इस तरीके से खींचेंगे, हाथ को बिल्कुल टाइट रखेंगे वरना फिर पैच आ जाएगा तुरंत। अब ये वाले पार्ट्स में वैक्स अलग से ना लगा के आप इसी पट्टी बस को यूं चिपका दें, अच्छे से प्रेस करें और ऐसा खींच दें, तो जो वहां पे हल्का फुल्का हेयर होगा ना वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा, उसके लिए आपको अलग से वैक्स नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा हैंड हो गया, अब बचा है इतना पार्ट्स। स्किन को मुट्ठी बांध लेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा जूम कर दूंगी तो फिर दिखेगा नहीं गाइस, इसलिए मैं थोड़ा सा कैमरा जूम आउट करके रखी हूँ। और इस तरीके से लगा के देखें, ऐसा खींचते हैं। अब ये फिंगर वाले पोर्शन को कैसे करें देखिए, फ्रेश पट्टी ले लें, पहले थंब पे अच्छे से चिपकाएं, खींचते चले। आसान तरीका बता रही हूँ, आप चाहें तो पूरा एक साथ कर सकते हैं लेकिन उससे दिक्कत हो सकती है, मैं आपको इजी वे में बता रही हूँ। इस तरीके से लगाएं एक एक फिंगर में और खींचें, देखिए जैसे ही आपको वैक्स लगे गाढ़ा होने लगा है तुरंत आप उसको गर्म कर लें। जैसे अगर बहुत गाढ़े वैक्स के साथ करोगे तो पट्टी आपकी निकलेगी नहीं, चिपक जाएगी। अब मेरा लास्ट फिंगर बचा है, इसको भी मैं लगाऊंगी। तो ये कंप्लीट हो गया, जो थोड़ा बहुत रह जाता है उसको आप बाद में क्लीन करेंगे। तो अभी मैं ये आफ्टर वैक्सिंग जेल यूज़ करूँगी, पहले एक हैंड का क्लीन कर लेंगे उसके बाद दूसरी तरफ का फिर से करना स्टार्ट करेंगे। तो एक तरफ
तरफ का तो हो गया, चलिए अभी हम दूसरी तरफ का भी कंप्लीट करते हैं। तो राइट हैंड से करना तो आसान होता है, लेकिन लेफ्ट हैंड थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ वैसे ही आपको करते हुए चलना है, दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो हम सेम वैसे ही पोर्शन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको इससे लगाने ना आए तो आप ना किसी स्पून का भी यूज कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, वैसे आपको पोर्शन वैसे ही फॉलो करना है जैसे मैंने बताई थी। ये वाला जो बच्चा इस तरीके से हाथ को घुमाएंगे और मिरर के सामने खड़े होंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आई होप कि आप लोगों को सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों को अपनी स्किन दिखा देती हूँ, बहुत अच्छे से वैक्स कंप्लीट हुआ है और कहीं पर भी आपको दाने रैसेस वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहे होंगे। बहुत अच्छे से सारा प्रोसेस मैं आपको करके दिखाई हूँ। तो इससे देखिए बहुत अच्छे से मेरा डीप क्लीन हो चुका है। और अगर आपके हैंड में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम है तो ये आप कर सकते हैं। दोनों वैक्स का भी आपको करने का तरीका बता दी हूँ और ये मैं ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज की हूँ। वैसे वैक्स वगैरह मैं सब ज़्यादातर ऑफलाइन ही लेती हूँ। आप जहाँ पर भी पार्लर प्रोडक्ट बाय करते हैं वहाँ से पता कर लीजिएगा। आई होप कि आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और ऐसे ही आपको जो है ढेर सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलते रहेंगी। और हाँ,
फेस मसाज की वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाली है, जो कि ड्राई स्किन और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा फट जाती है उनके लिए मैंने स्पेशली वो वीडियो शूट की है, तो बहुत ही जल्दी वीडियो भी आप लोगों को मिलेगी। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ आप सबसे एक और नई वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, बाय गाइज़।